दोस्तों आज हम बात करेंगे आरा मशीन के बारे में कि आरा मशीन का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारे पीछे एक आरा मशीन लगा हुआ है, काम हो रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे कि ये सेटअप आप कैसे लगवा सकते हैं, कितने खर्चे आएंगे और क्या क्या परमिशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बैक कैमरे से थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों आरा मशीन लगाने के लिए मेनली दो मशीनों की ज़रूरत होती है। एक मशीन तो ये है, देखिए इधर चल रही है, ये इधर सिराई हो रहा है, और दूसरी मशीन इधर है, ये बड़ी वाली मशीन है। बड़े बड़े जो बोटे आते हैं लकड़ियों के, वो इस पर रख के जो है उसको पतला कर दिया जाता है, स्लैब बना दिया जाता है, और स्लैब बनाने के बाद जो है उसे यहाँ लाया जाता है और यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसको काटा जाता है जैसी ज़रूरत होती है। जैसे बेड बनाना है, सोफ़ा बनाना है, तो उसके लिए इस पर कटाई होती है। बाकी बड़ा बड़ा बोटा है, जैसे ये देखिए ये लकड़ी लगी हुई है, बड़ी लकड़ी है, ये इस पर नहीं हो पाएगा, तो ये लकड़ी जो है इस पर रख के इस बड़ी मशीन में चीर दिया जाएगा, और चीरने के बाद बड़े बड़े पटरे हो जाएंगे। जैसे ये देखिए ये रखा हुआ है, ये हो जाएगा, और इसके बाद जो है जो छोटे साइज चाहिए तो इस मशीन पे चीर के तैयार किया जाता है। तो आरा मशीन के लिए दोस्तों ये दोनों मशीन तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा भी दो मशीनें होती हैं, लेकिन ये दो मशीनें आपको लेना ही पड़ेगा। और ये दोनों मशीनें खरीदने में लगभग 10-12 लाख रुपए आपको लेने में और सेटअप करने में लगभग खर्चा हो जाएगा। इसके बाद दो मशीनें और हैं, इसके अलावा जो है दो मशीनें इधर लगी हुई हैं, देखिए ये देखिए हमारे मामा श्री कढ़ाई कर रहे हैं चाचा जी, उससे भी ज़्यादा अगर छोटा करना है तो इससे हमको आना पड़ता है। और एक वो होता है रंधा मशीन, जो है लकड़ी को प्लेन करना है तो इसको लगाना पड़ेगा। ये दोनों खरीदने में लगभग 1 लाख रुपये आपका खर्चा हो जाएगा सेटअप उटअप करके। तो ये तो चार मशीनें होंगी। आइए अब देखते हैं ज़मीन, ये है दोस्तों ज़मीन, ये देखिए कितने दूर में जो है लकड़ी फैला हुआ है। और ये आरा मशीन अभी नया है, तो अभी लकड़ी रखना जो है शुरू किया गया है, बहुत ज़्यादा लकड़ी नहीं रखी गई है, तो ये देखिए इतना दूर में रखा गया है। तो आपको आरा मशीन लगाने के लिए कम से कम 2 बीघे ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपको ज़मीन 2 बीघा से कम नहीं रहना चाहिए। 2 बीघा आपके पास ये लकड़ियाँ रखने के लिए चाहिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी दिन रखने के बाद जो है चीरा जाता है, सुखाने का भी समय होता है, और उसके बाद जो है ऐसे आपको थोड़ा सा सेट भी डलवाना पड़ेगा मशीन के लिए भी। और मशीन के बाद क्या होता है, जो लकड़ियाँ हम चीरेंगे तो तुरंत तो बिकेगा नहीं, तो उसको जो है ऐसे सेट करके रखने के लिए जो है सेट लगवाना पड़ेगा कि छाए में रहे, क्योंकि धूप में जो है लकड़ी जल्दी से फट जाती है। तो ये तो सेट डालने के लिए अपने ऊपर है कि आप कैसा सेट डलवा रहे हैं, हल्का में भी हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों कि आपको चार मशीनें लेनी पड़ेंगी और कम से कम 2 बीघे ज़मीन और ऐसा सेट जो है छोटा मोटा आपको डलवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या आप करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं, इसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरा मशीन का परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन ही दोस्तों सबसे बड़ा काम है, परमिशन जल्दी मिलता नहीं है, और इस वक्त जो है इसमें यूपी बिहार में परमिशन मिल भी नहीं रहा है। अगर मिलता ठेके में तो लगभग 12 से 15 लाख रुपए आपको परमिशन लेने में खर्चा हो जाएगा, लेकिन अभी आरा मशीन का लाइसेंस नहीं मिल रहा है दोस्तों। लेकिन एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ से आप आरा मशीन चला सकते हैं। कैसे, जैसे किसी का आरा मशीन पड़ा हुआ है, लाइसेंस है, और वो जो है बंद पड़ा है, वो चला नहीं रहे हैं, तो उनका लाइसेंस आप खरीद सकते हैं और ख़रीद के जो है आप आरा मशीन चालू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। उसमें लगभग उसके हिसाब से वो डिमांड कितना करते हैं अपने लाइसेंस का, उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। आप 20 लाख से ऊपर ही मान के रखिए कि लगभग खर्चा लगेगा। तो एक तो लाइसेंस है, सबसे बड़ा कठिन काम है, और उसके बाद ये चार मशीनें हैं, चार मशीनें में 12 से 15 लाख रुपये लग जाएगा खरीदने और सेटअप करवाने में। और उसके बाद जो है ये लकड़ियाँ रखने के लिए आपको कम से कम 2 बीघे ज़मीन की ज़रूरत होगी। तो 2 बीघा ज़मीन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस जगह पे आप लगाएंगे, उस हिसाब से रेट उसका पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये बिज़नेस ऐसा है कि किसी भी गांव में खोल दीजिए, किसी शहर, किसी गली में खोल दीजिए, लोग वहाँ पर ढूंढ ढूंढ के आएंगे, ये ऐसा बिजनेस है। और जो है लेबर पाँच चाहिए, और लेबरों का क्या खर्चा आएगा, चलिए हम मिस्त्री जी से ही बात करते हैं। तो ये जो है आरा मशीन बंद भी कर दी है चाचा जी, अब हमें मौका भी मिल गया, थोड़ा बात कर देते हैं। चाचा जी छुट्टी हो गया क्या? हाँ छुट्टी हो गया। पहले माइक ले लीजिए, माइक छुट्टी हो गया, दाड़ बढ़ाव करेंगे। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के पहले ये बताइए? कुशीनगर जिला के। तो नाम क्या है आपका? सुरेंद्र राजू भथई बाबू। अच्छा, रौली बाजार पोस्ट थाना कचरा। लीजिए, पूरा एड्रेस ही बता दिए चाचा जी। काम कहाँ पे कर रहे हैं आप कोयमतूर में?
कोयमपुर में। हाँ कोयमपुर में काम कर रहे हैं, अपने ही कंपनी में जहाँ पे मैं फर्नीचर का काम करता हूँ यहीं पे। ये पहले हम काम करते हैं वहाँ की मथौली बाजार रामजी शर्मा के पास। कितने दिनों से चलो जी काम कर रहे हैं आप? 30 साल हो गया। अच्छा ये बताइए दादी कि इन दोनों आरा मशीन पे इस पे कितने लेबर की जरूरत होती है काम करने के लिए? कम से कम 6 आदमी चाहिए। 6 लेबर चाहिए। जो मेन मिस्त्री होते हैं उनकी दिहाड़ी क्या होती है? 1000 रुपया चाहिए। 1000 रुपये चाहिए। और लेबर की? लेबर को आगे 700-800 रुपया। 700-800 लेबर की, 1000 रुपये मिस्त्री की। तो एक मिस्त्री चाहिए? 2 मिस्त्री चाहिए। 2 मिस्त्री और एक हेल्पर। एक नहीं, दोनों मिस्त्री पे कितने हेल्पर चाहिए? 2 हेल्पर चाहिए। 2 हेल्पर चाहिए। हाँ। मतलब 4 लोग चाहिए, 4-5 लोग होने चाहिए। हाँ। ठीक है, धन्यवाद चाचा जी। तो ये था दोस्तों, चाचा जी ने ये बताया कि 2 मिस्त्री और 2 हेल्पर चाहिए। तो इसका भी खर्चा देख लीजिए, मिस्त्री जो होंगे 1000 रुपये और हेल्पर का जो है 500-600-700 रुपये पड़ेगा। तो अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। तो ये था आरा मशीन का खर्चा, लेकिन मेन जो है लाइसेंस का, वही लफड़ा है। लाइसेंस आप ले लिए तो बाकी काम आसान से हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है, ये बिजनेस बहुत चलता है दोस्तों। कहीं पे भी खोल दीजिए और लाखों लाख कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ नुकसान नहीं होना है। और एक बार लाइसेंस हो गया तो लाइफ टाइम, मतलब कई पुश्तें खाएंगे आराम से इससे काम करके।